एंड वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स टूडे आई विल मेक अ वेरी ब्यूटीफुल्रॉक विच इज़ वेरी ईजी ठीक है आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और ईजी फ्रॉक लेके आई हूँ जो देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है लेकिन है बहुत ईजी और गेंजा का मैंने कपड़ा लिया है और गन्जा की फ्रॉक का ये होगा कि बहुत उठी उठी होगी और आ, आ, बहुत प्यारी लगेगी अब मैंने दो पीस ले लिए हैं कपड़े के तो एक पीस जो है वो तकरीबन मैं आपको इसकी मेजरमेंट करके बता देती हूँ इट्स अबाउट थर्टी एट इंचज़ ठीक है ऊपर वाला पीस वो भी थर्टी एट इंचज़ है नीचे वाला जो पीस है वो भी थर्टी एट इंचज़ है ये देख सकते हैं आप दो पीस हैं ठीक है थीके? और इसकी जो आ, मैंने चौड़ाई रखी है वो कितनी है थर्टी एट इंचज़ अब आप ऊपर देखें एक हाथ के हिसाब से अगर मैं करूं मैं थ्री इयर्स की बच्ची के लिए बना रही हूं फ़ाइव इंचेस की स्ट्रिप बनेगी इसके ऊपर तो फ़ाइव और फाइव क्योंकि बैक पे भी स्ट्रिप होती है ऊपर भी होती है तो टेन इंचेस की मुझे स्ट्रिप काटनी पड़ेगी अब आप अगर पूरी लेंथ देखना चाहते हैं तो मैं बना रही हूँ तकरीबन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर आपके पास तकरीबन आ जाएगी ट्वेंटी और फाइव मिला दें तो आपके पास ट्वेंटी फ़ाइव इंचज़ लेंथ इसकी पूरी हो रही है ठीक है और स्ट्रिप हो गई चलें तो ये आपकी सारी मेजरमेंट हो गई है ठीक है आप मुझे इसके दामन पे भी पट्टी लगानी है एक और स्ट्रिप्स बनानी है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ और के ये कुछ पीस हैं जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि फाइव सेंटीमीटर हमने लेना है तो इसकी जो चौड़ाई है विर्थ जो है वो फोर सेंटी फोर इंचज़ रख लीजिएगा और जो लेंथ है वो मैं टेन फ्रेंड्स अब ये जो दो स्ट्रिप्स हैं ये मैंने दामन के लिए ली हैं यहाँ पे भी मैं पट्टी बनाऊँगी और इसकी विर्थ फोर इंचज़ ही रखेंगे और लेंथ आप अपनी डिमांड के मुताबिक रख लेंगे ठीक है अब नीचे वाला जो पोर्शन है फ्रॉक का वो मैंने सिर्फ करना है थोड़ी सी मोटी पाइपिंग यहाँ मैं दूंगी इसके ऊपर मैं स्ट्रिप लगाऊंगी आपने जो और स्ट्रिप की पट्टियाँ हैं उनको इस तरह आपने फोल्ड करके साइडों से आपने बना लेना है अब फ्रेंड्स ये देखें जो पट्टियाँ थी मेरे पास जो स्ट्रिप्स थी उनको मैंने साइडों से स्टिच कर लिए ठीक है इनकी मैंने पाइपिंग कर लिए पतली पतली अब इनको बनाना कैसे है वो आप प्लीज वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम इसको किस तरह बनाते हैं हाय फ्रेंड्स ये जो दो धागे होते हैं एक फिरकी का धागा होता है एक ऊपर सिलाई का होता है तो फिरकी के धागे को लेके आपने थोड़ा खींचना होता है ठीक है इस तरह हल्के हल्के से उसको खींच के उसमें पहले से चुनट डालने, इससे चुनट बहुत अच्छी आती है उसके बाद जब आप इसमें चुनट डालेंगे स्टिचिंग के ज़रिए तो बहुत ही खूबसूरत आपके पास एक झालर तैयार हो जाएगी तो ये बेस्ट तरीका होता है कि आप किस तरह जो है वो चुनट लेके आ सकते हैं फ्रेंड्स अब ये जो दामन है जहाँ मैंने पाइपिंग की थी वहाँ पे ये देखें ये स्ट्रिप मैंने बना ली है इसको मैंने किस तरह करना है इस तरह आप इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके और चुनट बना लेंगे स्ट्रिप्स मैं तैयार कर चुकी हूँ वो मैंने आपको दिखा दी हैं इसकी भी पाइपिंग वैसी ही की थी जैसे स्ट्रिप्स की की थी ठीक है फिर आपने इसको सिंपल दामन पे रख के इस तरह आपने इसको लगा देना है आगे भी और पीछे भी दोनों साइडों पर ये आपके पास आ जाएंगे फ्रेंड्स तैयार हो गई है ठीक है ये मैंने दोनों साइडों पर लगा दी है अब ऊपर जो कपड़ा है अब हम इस तरह करेंगे कि उसके साथ हमने स्ट्रिप्स अटैच करनी है और उसको हमने अटैच करनी ये देखें पतली सी मैंने इसकी पाइपिंग कर ली है ठीक है और उससे दो उंगलियाँ छोड़ के आप जो है इसको हल्के हल्के चुनट दे के और आपने ऊपर आपने पाइपिंग ज़रूर करनी है क्योंकि फिर वो बहुत रफ़ लगेगा ठीक है बहुत पतली सी आपने पाइपिंग कर ली और दो उंगलियाँ छोड़ के फिर आपने इस तरह चुनट बना के इसको स्टिच कर लेना है ठीक है और ये आपकी दोनों साइड्स पे होगा फ्रेंड्स अब आप ने इस तरह करने के बाद आपने इसकी दोनों साइडों से इसको सिलाई करके और इसको आपने बंद कर देना है अब आपने तकरीबन तीन उंगलियां छोड़ के जो स्ट्रिप्स आपने बनाई हैं वो आपने अटैच कर लेनी है ठीक है इसके ऊपर आप सिंपल जो है वो सिलाई कर दें तो दोनों जो है वो स्ट्रिप्स अटैच हो जाएंगे फ्रेंड्स अब आप शमीज़ का कपड़ा ले लें ठीक है शमीज़ का कपड़ा मैंने पूरी फ्रॉक स्टिच कर लिया आप देखें शमीज़ का कपड़ा थोड़ा सा छोटा होता है फ़्रॉक की बनस्बत लेकिन हम इसको पूरा कवर करेंगे क्योंकि नीचे से फिर अच्छा नहीं लगता तो आपने सिंपल इसके साथ लगा के मैंने देखें किस तरह उसको एक आ, बनाया हुआ है बिल्कुल वी शेप में काट के और मैंने उसको सिंपल नीचे से भी पाइपिंग कर लिया ताकि बुरी ना लगे ठीक है इस तरह आपने इसको ऊपर ऊपर से उसके साथ स्टिच करके और इसको कवर कर लेना है अब फ्रेंड्स मैं आपको एक फूल बनाना सिखाऊंगी ये देखें दो मेरे पास जो है ये और गेंजा के कपड़े का मैंने वो काट लिया है अब इस फूल को हम कैसे बनाते हैं ये आप गौर से देखिए ताकि आपको ये भी बनाना आ जाए अब ये जो मैंने स्ट्रिप्स लगाई हैं दामन पे और ऊपर जो मैंने की है तो वहाँ पर मैंने ये फूल लगाने हैं इसलिए मुझे ये काफ़ी सारे फूल बनाने होंगे मैं बहुत ही आराम आराम से आपको दिखाऊँगी ताकि आपको पता चल जाए कि आपने इस फूल को कैसे बनाना है ठीक है ऐसा करके जब आप इसको खींचेंगे तो बहुत ही मज़े का एक आपके पास फूल आ जाएगा इससे आप फिर पिंस भी बना सकते हैं साथ में ठीक है अब इसका जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ लाइन नज़र आए तो उसके लिए मैं वहाँ पे कुछ बीड्स वगैरह लगा दूँगी ये देखें ये आपका तैयार हो गया अब हम इसके अंदर क्या करेंगे इसके अंदर हम बीड्स लगा देंगे ताकि इसको एक बहुत प्यारी सी फ्लावर की लुक मिल जाए अब फ्रेंड्स आप देखें आपकी फ़्रॉक तैयार है और आपके ये फूल भी तैयार हो चुके हैं इसको मैं लगा रही हूँ गन के साथ ठीक है आप चाहे तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था आप उसके साथ भी लगा सकते हैं और इसके साथ भी लगा सकते हैं कुछ दामन पे लग जाए कुछ ऊपर लग जाएंगे फ्रंट पे और कुछ जो है मैं नीचे लगा लूँगी इधर मैं सिर्फ बीड्स लगाऊँगी चाहे तो फ्लावर्स लगा लें लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम बीड्स का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स फ्रॉक तैयार हो चुकी है ये देखें हेयर uh, प्रिंस बना लिया करें बैग्स बना लिया करें छोटे छोटे तो बहुत ईज़िली आप घर में अवेलेबल चीज़ों से बहुत कुछ बना सकते हैं अब ये जो हेयर पिन पड़ी हुई हैं उसके साथ मैंने ये फ्लावर लगा देना है ग्लू uh, गन के जरिए आप लगा दें बहुत क्यूट सी दो आपके पास पिंस भी तैयार हो जाएंगी तो बहुत प्यारे लगेंगे आपके बच्चे और uh, इसलिए प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग